मैं शाम को करीबन 8 बजे अपने घर की छत पर वॉकिंग कर रहा था, तभी कुछ करीबन 5 मिनट बाद छत के दूसरे भाग से किसी के खड़काने की आवाज़ आई। मैं उस साइड देखने के लिए गया तो आखिर आवाज़ किस चीज़ की थी ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे अलावा छत पर कोई नहीं था। उसी दौरान मेरी नज़र चैनल के डिश पर पड़ी जो छत के दूसरे भाग में, मुझे लगा कि शायद कोई चूहा होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ आई। मैं तुरंत वहां जाके देखा तो अस्तम हो गया, क्योंकि वहां चैनल के डिश पहले से ही जगह पे थी, उसे 5 फीट दूरी पे चली गई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। बाद में उसी जगह पर खड़ा होकर देखने लगा कि क्या मेरी नज़र सामने हिलती है क्या। देखते देखते अचानक डिश अपनी जगह से 2 फीट के ऊपर ऊँचे नीचे गिरी और अपनी जगह पर हिलने लगी। तभी मैंने सोचा कि यह देखकर मेरे होश ही उड़ गए, तो मैं तुरंत चैनल के डिस्क को मालिक को फ़ोन किया और उन्हें छत पर बुला के सारी बातें बताई। भले मेरी बात सुनकर उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब कुछ देर पास आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लोगों को लगा शायद कोई भूत प्रेत है ये सब कर रहा था। फिर हम सब ने उस डिस्क को रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि सुबह डिस्क को यहाँ से निकाल फेंक देंगे। उसी रात करीबन 1:45 बजे हम सब सो रहे थे, तभी मुझे छत पर किसी की घूमने की आवाज़ आई, क्योंकि मेरा घर टॉप फ्लोर पर था, इसलिए जब भी छत पर कोई भी होता तो सबसे पहले हमें सुनाई देता था। मैंने अपने घर वालों को जगाया और बताया कि छत पर कोई घूम रहा। उस रात सब हिम्मत करके छत पर गए यह देखने के लिए आखिर ऊपर कौन है। हमने ऊपर जाकर देखा तो ऊपर कोई नहीं था, लेकिन छत पर किसी के पैरों के निशान थे, वो भी आम पैरों के निशान नहीं, कहीं ज़्यादा बड़े। हम डिश को देखने के लिए गए, डिश पूरे छत पर कहीं नहीं था। हम लोगों को किसी के उस पर डिस्क को फेंक दिया होगा, लेकिन पैरों के निशान सब काफ़ी डरा दिया था, क्योंकि आज तक ऐसा निशान पहले कभी नहीं देखे थे हम लोग।